Hello friends, welcome to the SNAC medical classes. Today we will discuss about anemia in pregnancy. Anemia kya hota hai hamara? Agar hamari body ke andar Hb jo hai hamara hemoglobin jo hai, agar uska level jo hota hai wo kam ho jata hai, matlab hemoglobin ka level jo hai wo decrease ho raha hai, to body mein kya cause karega? Hamare anemia cause karta hai. ठीक है, तो अब बात ये आती है कि हीमोग्लोबिन का लेवल होता कितना है बॉडी के अंदर. तो अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें तो हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होगा फीमेल बॉडी के अंदर, 12 टू 14 ग्राम पर डेसीलीटर ये प्रेजेंट रहता है एक फीमेल के अंदर. ठीक है, तो फिर इसमें कितने लेवल होते हैं अगर ये अनिमिया को अगर हम क्लासीफाई करके देखें तो इसमें कितने लेवल होंगे हमारा, किस किस डिग्री में होता है, ये 3 डिग्रीज में डिवाइड किया गया है इसको. जो अनिमिया की डिग्रीज है वो कितनी है, 3 डिग्रीज में इसको डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा है, अगर माइल्ड लेवल का अनीमिया किसी के अंदर प्रेजेंट है, अगर मदर जो है वो माइल्ड लेवल के अनीमिया से सफर कर रही है, अगर वो प्रेग्नेंट है और वो माइल्ड लेवल के अनीमिया से सफर कर रही है तो उसका एचबी लेवल कितना होगा, 9 टू 11 ग्राम पर डेसीलीटर में प्रेजेंट होगा. ठीक है, अगर उसको वही मॉडरेट लेवल का अनीमिया हो रखा है तो कितना होगा किसी प्रेग्नेंट वुमेन को, तो कितना होगा अनीमिया जाके हमारा जो एचबी का लेवल कितना होगा हमारा, 77 टू 9 ग्राम पर डेसीलीटर में क्या रहेगा हमारा, मॉडरेट अनीमिया की कंडीशन रहेगी. अगर यही सीवियर कंडीशन है मदर को तो अनीमिया का लेवल कितना हो जाएगा, जो एचबी का लेवल है अनीमिया में कितना हो जाएगा हमारा, 4 टू 7 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा. तो इसको किसमें क्लासिफाई कर देंगे, ये सीवियर डिग्री का अनीमिया हो जाएगा. ये जो क्लासिफिकेशन है ये WHO के अकॉर्डिंग है. ठीक है, कौन कौन सा है, माइल्ड लेवल, मॉडरेट लेवल एंड द सीवियर लेवल. अब जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये किससे मिलके बना हुआ होता है, क्या है हीमोग्लोबिन के अंदर क्या ऐसी चीज आ रही है जो ये इसका लेवल जो है वो कम हो जा रहा है तो हमें बॉडी के अंदर अनीमिया कॉज हो जा रहा है. ठीक है, तो अब हम किसकी बात करते हैं, हीमोग्लोबिन की. ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन. ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है, दो वर्ड से डिवाइड होके बना है. क्या क्या उससे डिवाइड होके बना है, हीम से डिवाइड होके बना है. ठीक है, एंड किससे डिवाइड होके बना है, ये हमारा ग्लोबिन वर्ड से भी डिवाइड होके बना है. ठीक है, यहाँ पे हीम का मतलब क्या है, यहाँ पे आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या है हमारा, प्रोटीन. ठीक है, तो कौन सी प्रोटीन होती है, यहाँ पे ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है. ठीक है, ग्लोबुलिन यहाँ पे हमारी क्या है, प्रोटीन. हीम क्या है हमारा, आयरन. मतलब आयरन और प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन. और ये आयरन मिलके क्या बनाएगा जाके बाद में, हमारा जो आरबीसीज होती हैं उसको बनाएगा. तो अनीमिया के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो आरबीसी सेल है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, जब आरबीसीज की सेल डिक्रीज हो जाएगी तो उस प्रोटीन हमारी बॉडी में बनी रहा उसका कोई काम होगा, नहीं होगा. ठीक है, तो इसके अंदर अनीमिया के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, आरबीसी जो लेवल है उसका क्या ऐसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, जो हमारा ये अब एचबी है, क्या बताया है, ये आयरन से मिलके बना हुआ है और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है. तो जो ये एच बी होता है ये क्या बनाता है, ये जब बॉडी के अंदर रहता है तो ऐसे तो ये घूम नहीं सकता. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपने संग में किसको बाइंड करता है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है. मतलब इसके अंदर 4 O2 प्रेजेंट रहते हैं, 4 O2 रहता है, एच बी उनसे बाइंड होके रहता है, तभी ये बॉडी के अंदर सर्वाइव कर पाएगा. अदरवाइज ये कहां ऐसे करके घूम तो फ्लोटिंग नहीं कर पाएगा बॉडी के अंदर. तो ये किससे बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन से. तो ये हमारी बॉडी की जब ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है तो ये हमारी सारी सेल्स को क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है. ठीक है, तो अनीमिया के अंदर हमारा क्या हो रहा है, जो एच बी का लेवल है वो डिक्रीज हो गया है. ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर पहला कंडीशन क्या आता है हमारा, जो अनीमिया के टाइप्स की अगर हम बात करें, अनीमिया के टाइप्स की बात करें तो पहले अनीमिया का टाइप क्या है हमारा, आयरन डेफिशिएंट अनीमिया. आयरन डेफिशिएंट अनीमिया, नाम से ही पता चल रहा है, आयरन डेफिशिएंट अनीमिया के अंदर क्या हो जाएगा, आयरन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. आयरन मतलब डेफिशिएंट हो रहा है. ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, आयरन डेफिशिएंट हो रहा है. क्यों हो रहा है, क्योंकि एचबी का लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया. एचबी किससे बना हुआ था हमारा, आयरन से और प्रोटीन से. ठीक है, आयरन प्लस प्रोटीन क्या था हमारा, एचबी
हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना हुआ था? आयरन प्लस प्रोटीन से। तो हमारा आयरन डेफिशिएंट एनीमिया के अंदर क्या हो जाएगा, जो ये आयरन है ये कैसा हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो पर्सन जो मदर किससे सफर करने लगी कि आयरन डेफिशिएंट एनीमिया से। ठीक है, नेक्स्ट एनीमिया हमारा कौन सा है? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में हमारा क्या आता है? फॉलिक डेफिशिएंट अनिमिया के अंदर क्या होता है, मतलब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है, जिसकी वजह से क्या कॉज हो गया हमको, अनिमिया कॉज हो गया। अब इतना ज्यादा फॉलिक एसिड का क्या मेन रोल है जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनिमिया हो जा रहा है? जो हमारी आरबीसी सेल बनी हुई होती है, जो हमारी आरबीसी या फिर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी सेल का मैच्योरेशन जो हो रहा है वो कौन कराएगा? हमारा ये फॉलिक एसिड। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी जो सेल्स जो भी मैच्योर हो पा रही है, सेल्स जो फॉर्म हो पा रही है, वो किसकी वजह से हो पा रही है? फॉलिक एसिड की वजह से। तो आरबीसी सेल भी किसकी वजह से नहीं फॉर्म हो पाएंगी? हमारे फॉलिक एसिड की वजह से, क्योंकि फॉलिक एसिड ही लेकिंग हो गया तो आरबीसी फॉर्म ही नहीं हो पाएंगे, सेल फॉर्म ही नहीं हो पाएंगे अच्छी तरीके से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट एनीमिया का हमारा कौन सा है बॉडी में? विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया। कौन सा है? विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया। बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। ये क्या है? विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया क्या कर रहा है? जो विटामिन बी12 जो होता है हमारा आरबीसीज को या फिर कोई भी सेल को अच्छे से फॉर्म होने में हेल्प करता है। मतलब कोई ना कोई विटामिन जो होता है वो हमको रिक्वायर्ड होता है किसी भी सेल को फॉर्म होने में। तो विटामिन बी12 किसके लिए रिक्वायर्ड है? हमारा जो आरबीसी की सेल फॉर्म हो रही है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? हमारा विटामिन बी12। जब हमारा विटामिन बी12 बॉडी के अंदर लेकिंग हो जाएगा तो ये क्या कर देगा हमको? विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया। अब ये इतने सारे एनीमिया प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्यों हो रहा है? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसको डुअल अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, डुअल अमाउंट ऑफ ब्लड क्यों रिक्वायर्ड होगा? क्योंकि एक बेबी के लिए भी उसको अपना एक अलग सर्कुलेशन है उसका, ठीक है, और खुद का भी एक अलग सर्कुलेशन है। तो जब ब्लड बेबी के लिए भी रिक्वायर्ड हो रहा है और किसके लिए? खुद के लिए भी रिक्वायर्ड हो रहा है। तो जब दो सर्कुलेशन बॉडी के अंदर चल रहा है, मदर का अपना भी और बेबी का अपना भी, तो क्या हो जाता है यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है प्रेगनेंसी की कंडीशन में कैसा होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि बेबी जो है वो किससे? मदर से ही ब्लड ले रहा है ना। तो जब बेबी मदर से ब्लड ले रहा है तो बेबी के पास में जब मदर जो होगी बेबी को देने लगेगी तो मदर के पास में कैसा हो जाएगा? लीकिंग हो जाएगा ब्लड का। लेट्स डिस्कस अबाउट द एनीमिया इन प्रेगनेंसी। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनीमिया। बॉडी यूज आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी क्या करती है? आयरन का यूज़ करती है। क्यों यूज़ कर रही है? क्योंकि उसको हीमोग्लोबिन बनाना होता है। हीम क्या होता है? हमारा आयरन होता है। ग्लोबिन क्या होती है? हमारी प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बॉडी क्या करती है? हमारे आयरन को यूज़ करती है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू। हीमोग्लोबिन क्या होती है? एक प्रोटीन होती है। प्रोटीन यह क्या कर रही है? हमारा रेड ब्लड सेल्स से ये ऑक्सीजन को कैरी करवाती है। ऑक्सीजन को कैरी करवा के ये कहाँ पे लेके आती है? टिश्यूज में लेके आती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन बॉडी इंक्रीज एंड सो डज द अमाउंट ऑफ आयरन दैट नीड। हमारा जब प्रेगनेंसी की कंडीशन आती है, मदर को जब प्रेगनेंसी हो रही है, तो क्या होता है? हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कैसा हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। एंड सो डज द अमाउंट ऑफ आयरन दैट नीड। तो हमारा जो आयरन का अमाउंट होता है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बॉडी यूजेज आयरन टू मेक मोर ब्लड टू सप्लाई ऑक्सीजन टू योर बेबी। तो हमारी बॉडी को क्या होता है? आयरन का भी अमाउंट जब है उसको इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि उसको मोर अमाउंट में जो है ऑक्सीजन है वो बेबी को ट्रांसफ़र करनी होती है। If we don't have enough iron stores or get enough iron during pregnancy, अगर मदर को जो है वो आयरन इनफ नहीं मिलता है, क्योंकि उसको बेबी को भी ट्रांसफ़र करना है एज ए ऑक्सीजन, क्योंकि आयरन से ही सप्लाई होगी। हीमोग्लोबिन क्या कंटेन करके चलता है? हमारा जो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटेन करके चल रहा है। जब ये मदर को ऑक्सीजन ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, जब मदर जो बेबी होगा वो सही से
If we don't have enough iron stores or get enough iron during pregnancy, अगर हमको enough iron नहीं मिलता है during pregnancy, iron का requirement क्यों है? क्योंकि जो baby को blood चाहिए होता है और blood के साथ साथ उसे oxygen भी चाहिए होती है, तो हमारा जो HB जो carry करके लेके जा रहा है, वो कौन लेके जा रहा है? Oxygen के molecule लेके जा रहा है. ठीक है, जो हमारा एच बी है वो किससे बना हुआ है? आयरन से. जब मदर इनफ आयरन नहीं ले रही है तो क्या होगा? बॉडी के अंदर आयरन जो होगी उसकी लेकिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगा? आयरन डिफिशियंसी, अनीमिया जो होता है वो डेवलप हो जाता है. यहीं अगर फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो रही है तो क्या डेवलप होगा? फॉलिक एसिड अनीमिया डेवलप हो जाएगा. नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ द अनीमिया. अ कंडीशन इन विच द ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स. ये क्या कंडीशन होती है? अनीमिया की कंडीशन, जिस कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? लेकिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या हम कहते हैं? अनीमिया कहते हैं. अनीमिया रिजल्ट फ्रॉम अ लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स और डिसफंक्शनल रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी. दूसरी डेफिनेशन क्या है? अनीमिया की कंडीशन क्या हो रही है? लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो जाएंगी, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होंगी उनकी कमी आ जाएगी, या फिर जो रेड ब्लड सेल्स होगा उसमें कोई भी डिसफंक्शन जो होता है वो डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? अनीमिया का कॉज हो सकता है. दिस लीड्स टू रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो टू द बॉडीज ऑर्गन. ये क्या करेगा? ये कंडीशन हमारा जो ऑक्सीजन का फ्लो होना चाहिए बॉडी के ऑर्गन्स में, जितना इनफ ऑक्सीजन जाना चाहिए. जब आयरन ही नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा हमारा. हीमोग्लोबिन क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन को कैरी करने वाली चीज़ ही नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर इनफ ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी और हमारी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो बॉडी ऑर्गन्स तक नहीं जा पाएगा. नेक्स्ट वन, रिस्क फैक्टर्स ऑफ एनीमिया हैव टू क्लोजली स्पेस प्रेगनेंसी. क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो अनीमिया कॉज कर सकते हैं? अगर कोई मदर है उसके जो प्रेगनेंसी के बीच में जो है वो स्पेस कम है तो भी क्या कॉज करेगा? अनीमिया कॉज कर सकता है. क्यों? क्योंकि अभी तो ब्लड का यूज़ हुआ ही था, या उसमें जितना सर्कुलेशन जितना चाहिए था ब्लड अमाउंट एक बेबी में लग गया, उसके बाद में वो वन ईयर के समथिंग या फिर थ्री ईयर से लेस देन में वो फिर प्रेग्नेंट हो गई, फिर से उतना ही अमाउंट में ब्लड चाहिए, तो उसके अंदर जो गैप रहेगा प्रेगनेंसी की वजह से, जो कम गैप रह जाता है उसमें उतना इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं बन पाएगा मदर को, तो ये क्या कॉज करेगा? अनीमिया कॉज करेगा. आर प्रेग्नेंट विद मोर देन वन बेबी. अगर जो मदर है वो एक से ज़्यादा बेबी, मतलब उसको ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर उससे ज़्यादा बेबीज हैं, ट्रायो प्रेगनेंसी है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी, ऐसे केसेस में भी जो होगा अनीमिया होने के चांसेस रहते हैं. आर वोमिटिंग फ्रिक्वेंटली ड्यू टू मॉर्निंग सिकनेस. कभी कभी क्या होता है, मदर को जो एससीजी हार्मोन जब सीक्रेट हो रहा होता है, जब स्टार्टिंग में ही चेंज आते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो मदर को क्या होती है? मॉर्निंग सिकनेस होती है. मॉर्निंग सिकनेस की वजह से उसको क्या? वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है. जब मदर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रही होती है तो उसमें आयरन डिफिशियंसी अनीमिया जो होता है वो कॉज कर जाता है. डोंट कंज्यूम इनफ आयरन रिच फूड. अगर मदर जो है वो आयरन रिच फूड जो है वो नहीं ले रही है तो भी अनीमिया होने के चांसेस होते हैं. हैव ए हैवी प्री प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल फ्लो. अगर जो उसके मदर जब प्रेग्नेंट हुई है उसके पहले उसको बहुत ज़्यादा हैवी मेंसेस हो रहे थे तो भी आयरन डिफिशियंसी के चांसेस रहते हैं. हैव ए हिस्ट्री ऑफ अनीमिया बिफोर योर प्रेगनेंसी. अगर मदर को अनीमिया का जो है वो हिस्ट्री है, मदर को पहले भी प्रॉब्लम रह चुकी है, अगर वो अनीमिक रह चुकी है प्रेगनेंसी के पहले, तो भी उसको चांसेस रहता है और रिस्क फैक्टर रहेगा अनीमिया होने का. नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ द अनीमिया. क्या क्या कॉजेज हो रहे हैं अनीमिया के? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन बॉडी इंक्रीज, सो डज द अमाउंट ऑफ आयरन यू नीड. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो आयरन का जितना डिमांड जो कंप्लीट होना चाहिए वो कंप्लीट नहीं हो पाता. मदर के अंदर जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो सर्कुलेशन उसको मदर को भी चाहिए, बेबी को भी चाहिए. ठीक है, तो आयरन की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो आयरन उतना ज़्यादा सफिशियंट नहीं होगा, तो क्या कॉज करेगा? अनीमिया कॉज करेगा. बॉडी यूजेज आयरन टू मेक मोर ब्लड टू सप्लाई ऑक्सीजन टू योर बेबी. बेबी को जो सप्लाई करने के लिए और ब्लड चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो ठीक है, क्योंकि डबल डुअल सर्कुलेशन चल रहा होता है, मदर का भी चल रहा है, बेबी का भी चल रहा है, तो
वहाँ पे इतना इनफ जो आयरन जो है वो नहीं हो पाता, तो ये क्या एक कॉज हो सकता है अनीमिया का। इफ डोंट हैव इनफ आयरन स्टोर्स और गेट इनफ आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर जो है उसको इनफ आयरन नहीं मिल रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सी कुड डेवलप आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। अगर आयरन इनफ नहीं मिला तो उसको अनीमिया जो है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट सुन, टाइप्स ऑफ अनीमिया। अनीमिया जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट क्या है, फोर काइंड ऑफ अनीमिया कैन हैपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अनीमिया जो है वो चार टाइप का हो सकता है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अकर होता है। अनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल अनीमिया अकर हो रहा है जो सर्कुलेशन की वजह से वो अनीमिया होगा, तो फिर उसको क्या कहते हैं, अनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें RBCs का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, अगर किसी मदर के अंदर आयरन का डिफिशियट हो रहा है तो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होगा। विटामिन B12 डिफिशियंसी अनीमिया, अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी आ रही है उसकी वजह से अनीमिया जो कॉज कर रहा है तो कौन सा अनीमिया होगा, विटामिन B12 डिफिशियंसी। अगर फॉलेट की लेकिंग की वजह से अनीमिया हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फॉलेट डिफिशियंसी अनीमिया। फॉलेट जो होता है वो हमारे न्यूरोमस्कुलर जो प्रॉब्लम होती है जैसे स्पाइना बाइफिडा, इनसे हमें दूर करवाने में हेल्प करता है। तो मदर को क्या देते हैं, जब मदर प्रेगनेंट होती है तो उसको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी दी जाती हैं। तो फॉलिक एसिड अगर किसी के अंदर लेकिंग हो रहा है मदर के अंदर, तो बेबी में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम होने के, जैसे स्पाइना बाइफिडा हो जाएगा, स्पाइना ऑकल्टा वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स मदर को देखने को मिलती हैं अगर उसके अंदर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो। नेक्स्ट सुन, साइन सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। मदर जो होगा उसको फैटिक फील होगा, वीकनेस होगा बहुत ज़्यादा फील, डिजीनेस फील करेगा। मदर को जो लाइट हेडेडनेस होगा, मतलब सर जो होगा वो बहुत हल्का हल्का सा लगेगा, हेडेक फील होगा उसको, उसकी स्किन जो होगी पेल और येलो कलर की रिजेंबल करेगी, मतलब क्योंकि उसके अंदर अनीमिया का जो आयरन का है वो डेफिशिएंट हो गया है, तो उसकी स्किन में क्या हो जाएगा, पीलापन सा पड़ जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मदर को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ प्रेजेंट रहेगी। क्रेविंग और च्यू आइस, उसको क्रेविंग होगा कुछ ऐसा जैसे पाई का डिसऑर्डर होता है जिसमें नॉन रुमिनेटिंग ईटिंग सब्सटेंस जो होते हैं वो हम खाने लगते हैं, जैसे खड्डी वगैरह हो गया, पत्थर वगैरह हो गया, या फिर जो भी जैसे सब्सटेंस जो है वो नहीं खाने वाले होते हैं वो खाने लगते हैं, तो उसमें भी जो मदर के अंदर साइन सिम्टम ये प्रेजेंट रहेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी मिट्टी वगैरह ऐसी चीज़ें खाने के लिए। सिम्टम्स ऑफ सीवियर अनीमिया में इंक्लूड, अगर मदर को सीवियर अनीमिया है तो क्या हो प्रेजेंट रह सकता, अ रैपिड हार्ट बीट प्रेजेंट रहेगी उसको, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर प्रेजेंट रह सकता है, और जो मदर होगा उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है कोई भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। नेक्स्ट सुन, डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में क्या करेंगे, फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करना है उसका, परफॉर्म ए फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट लेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या करना, अ CBC इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स इन ए सैम्पल ऑफ योर ब्लड। CBC क्यों लिया जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ब्लड सेल्स हमें काउंट करने होते हैं, इसलिए हम CBC करते हैं। HB लेवल लेस देन 11.0 ग्राम पर डेसीलीटर इन द फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, अगर किसी मदर का जो HB का लेवल है वो कितना लेस देन हुआ, 11.0 से लेके ग्राम पर डेसीलीटर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका कम होता है, तो जो मदर है उसको अनीमिया होने के चांसेस है, मतलब उसको अनीमिया काउंट किया जाएगा। अगर उसका जो HB का लेवल है वो 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ, तो मदर को क्या कंसीडर करते हैं, हम एनीमिक कंसीडर करते हैं। ये जो है ये सारा WHO के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ अनीमिया। अगर किसी मदर को वो अनीमिया हो जाता तो उसको मैनेज कैसे करना है, WHO रिकमेंड इंटरमिटेड ओरल आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। जो WHO वो क्या रिकमेंड करता है, मदर को क्या देना है, ओरल आयरन देना है, फॉलिक एसिड्स देने हैं, जो कितना देना है, 120 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन, 120 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन देना, खाली आयरन देना उसमें, और उसको 2.8 मिलीग्राम फॉलिक एसिड देना होता है। डाइट्री मैनेजमेंट करेंगे, डाइट्री मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम ईटिंग एंड ओवरऑल हेल्दी डाइट रिच इन डार्क लीफी ग्रीन, क्या देना है मदर को, जो लीफी वेजिटेबल्स होती है, डार्क कलर की लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो देनी है, नट्स देने हैं, सीड्स देने हैं, सी फूड्स आते हैं वो देना है, मीट देंगे मदर को, बीन्स दे सकते हैं, विटामिन सी देंगे, विटामिन सी का वो और देते हैं क्योंकि वो अगर
मदर जो है वो ज़्यादा आयरन ले रही है तो उसका वो एब्जॉर्प्शन होना भी बॉडी के अंदर ज़रूरी होता है, इसलिए मदर को विटामिन सी रिच फ्रूट्स भी देंगे, वेजिटेबल्स भी देंगे, और क्या देंगे उसको जो जैगरी वगैरह आता है, जैगरी आता है, चिक पीज होते हैं, तो ये सारे मदर को ये सब चीज़ें देंगी जिससे उसका जो HB का लेवल है वो इनक्रीज रहे।